Oh,
को समर्पण कर दिया है, अपने समाज को समर्पण कर दिया है। आज बड़े ही सौभाग्य का ये दिन है, हमारे बीच में श्री रोमन जी और हमारे सेना के जवानों को देश के लिए उन्हें सभी आज महाराज जी से आग्रह करूंगा कि आप उन्हें सम्मानित कीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले तकरीबन 12 सालों से यहाँ मोहल्ला पावर हाउस में गणपति महोत्सव जो है वो रेगुलर बनाया जा रहा है। कोविड को देखते हुए इस बार बड़े छोटे पैमाने में बना रहे हैं, साथ कर जैसे कालका मंदिर में इस बार उन्होंने भी शुरू किया, अच्छी बात है। जैसे कि आप देखते हैं कि इस हमारे इस देश के हर एक हिस्से में जो है इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों में भी गणेश जी की मूर्तियाँ रखते हैं, पूजा करते हैं, कोई 3 दिन के लिए रखता है, कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन के लिए जो रखते हैं। तो अच्छी बात है, पुंछ के हर जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। कोविड को देखते हुए यहाँ थोड़े रिस्ट्रिक्शन ज़रूर हैं, फिर भी भक्तों में उत्साह है। हमने बड़े लेवल पर ये कार्यक्रम नहीं किया है, तो कालका मंदिर की जहाँ तक बात है उन्होंने भी अच्छा इनिशिएटिव लिया और इस उत्सव को वहाँ भी बनाने का जो है वो निर्णय लिया। तो हम यही आशा करेंगे कि भगवान गणपति इस पुंछ के ऊपर अपनी जो है वो अपार कृपा जो है हमेशा बनाए रखे और इसी तरह हम उनका पर्व हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। श्री गणेश उत्सव जी के अवसर पर यहाँ पूंछ एरिया में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ भी एक कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे गणपति जी को यहाँ पे स्थापित किया गया है कालका मंदिर में और ये पहली बार जहाँ पे गणपति जी को स्थापित किया गया है। आप देख रहे हो पूरे विश्व में आज गणपति जी की स्थापना होती है और गणपति जी का हर जगह गुणगान होता है। ऐसे ही हमने यहाँ पर आज पहली बार गणपति जी का जो यहाँ पर स्थापित किए हैं कालका मंदिर पूंछ में और हम गणपति जी से ये आग्रह करते हैं, उनसे ये विनती करते हैं रोज़
हम ये विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जितने दुख दर्द हैं वो हर दे, और हमारे बॉर्डरों पे जो हमारी सेना बैठी हुई है उनकी रक्षा करे और पापियों का नाश करे। हम ये चाहेंगे कि हमारे गणपति जी भगवान हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें और हमारे जो शहर है पुंछ शहर है इसकी समृद्धि के लिए, इसके दुखों को हरने के लिए वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखें। धन्यवाद। सबसे पहले सबको गणपति उत्सव की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। हम गणपति जी से प्रार्थना करते हैं कि गणपति भगवान सबके जीवन में सुख समृद्धि लाएं, तो और साथ में जो पूरे विश्व में इस समय जो कोरोना महामारी फैली है उसको भी जल्द से जल्द ख़त्म करें, और जो हमारे लोग हैं वो अच्छे से ये फेस्टिवल जो अपने जो नहीं बना पा रहे वो अच्छे से बना पाएँ। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि पूंछ के प्राचीन कालिका मंदिर पूंछ में भी इस बार पहली बार यहाँ पे गणपति जी की स्थापना की गई है और बड़ी विधिपूर्वक इनकी पूजा अर्चना और डेली के यहाँ पे जो है भजन कीर्तन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसी की कड़ी में आज भी यहाँ पे भक्तों ने भजन कीर्तन किया, और उसके बाद यहाँ पे छोटे सा भंडारे का आयोजन भी किया गया था जो भक्तों ने वहाँ से भंडारे से प्रसाद लिया। जय गणपति देवा।